बिहार शिक्षक बहाली में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। पूरी जानकारी देंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एनसीटी ने यहां पर साफ कर दिया है कि सभी राज्यों को, हम साफ साफ कह रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है। यह चीज एनसीटी ने कही, आप देखिए एनसीटी ने ये निर्देश दिए हैं, ये आदेश दिए हैं, अभी लिखित नहीं हुए हैं, लेकिन ये एक बयान है कि 1 से 5 तक के लिए बीएड योग्य नहीं है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करते हुए ये कह चुकी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार, ये टिप्पणी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी दोनों से स्पष्ट हो गया है और यही कारण है कि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है और जानकारी मांगी है कि हम बीएड को बाहर करते हुए परिणाम जारी करें या ना करें, क्योंकि 11 अगस्त को भी एक आदेश आया है और 2 दिन पहले भी एक फिर आदेश आया है जिसमें बीएड को बाहर करने की बात कही गई है। तो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि बिहार शिक्षक भर्ती से फाइनली बीएड अब बाहर रहने वाला है। और अभी हाल ही में एक लेटर भी आया है जहां पर जो भी बीएड अभ्यर्थियों ने अपना प्रमाण पत्र लगाया है, अगर वो डीएलएड भी हैं तो वो तुरंत जो है डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड कर दें, बीएड वाला हटा लें। तो इससे सब कुछ स्पष्ट हो चुका है।